बिहार के बांका जिले से एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। बांका जिले में एक आतंकवादी पुलिस के गिरफ्त में आया है, जिसके दूसरे साथी की तलाश जारी है। नमस्कार, रिपब्लिकन न्यूज के साथ मैं हूं अंकिता सिंह। पटना में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है। बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होने वाली इस रैली को लेकर प्रशासनिक महकमा हाई अलर्ट मोड में है। इस बीच बांका से एक संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी ने हर किसी को बेचैन कर दिया है। बताया जा रहा है कि बांका से गिरफ्तार आतंकी की बहन आत्मघाती मानव बम बनी हुई है। आत्मघाती बन चुकी इस महिला को लेकर दो तरह की खबरें आ रही है। एक खबर यह है कि उसे NIA ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरी खबर उसके फरार होने की है। हालांकि आधिकारिक तौर पर फिलहाल बिहार पुलिस मुख्यालय या NIA की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। इस बीच पुलिस सूत्रों ने बताया कि बांका से गिरफ्तार आतंकी का एक दोस्त नौशाद राजधानी पटना में छिपा है। उसके मोबाइल का टावर लोकेशन पटना में मिलने के बाद NIA की टीम लगातार छापेमारी में जुटी है। सूत्रों के अनुसार बांका में NIA के साथ ही भागलपुर रेंज के DIG विकास वैभव गिरफ्तार आतंकी से पूछताछ कर रहे हैं। ऐसे में पटना में होने वाली रैली पर आतंकी हमले की आशंका बढ़ती जा रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि SPG ने गांधी मैदान को हाई सिक्योरिटी जोन में रखा है। हर संदिग्ध पर नजर रखी जा रही है। आतंकी की गिरफ्तारी और एक और आतंकी की पटना में होने की खबर के बाद SPG और भी अलर्ट है। गांधी मैदान में क्या है ताजा हालात, इसका जायजा लिया रिपब्लिकन न्यूज संवाददाता तनुज माथुर ने। कल यानी 3 तारीख को पटना के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्प रैली होने वाली है। ऐसे में बिहार के बांका जिले से एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। बांका जिले में एक आतंकवादी पुलिस के गिरफ्त में आया है, जिसके दूसरे साथी की तलाश जारी है। उसके साथी की टावर लोकेशन शुक्रवार की शाम तक बांका जिला ही था, लेकिन अगले ही दिन उसका नेटवर्क लोकेशन पटना बताया जा रहा है। 2001 में हुए सांसद हमले में भी उस आतंकी का हाथ रह चुका है। NIA की टीम बांका जिला पहुंच चुकी है। फिलहाल पुलिस के बड़े अधिकारी उससे पूछताछ कर रही है। पूरा पटना हाई अलर्ट मोड पर है। ऐसे में हम पटना वासियों से कहना चाहेंगे कि पुलिस की तत्परता के साथ साथ वो भी हाई अलर्ट मोड पर रहे। पकड़े गए आतंकवादी का कनेक्शन पुलवामा हमले से भी जोड़ा जा रहा है। अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं गांधी मैदान की वो तस्वीर जिसे SPG ने अपने कब्जे में ले लिया है। हाई अलर्ट सिक्योरिटी होने के बाद फिर भी आशंका जताई जा रही है कि इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पर कोई ऐसा अटैक हो सकता है। इस चीज़ को रोकने के लिए SPG और पटना पुलिस पूरी तत्परता से लगी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम कुमार के साथ मैं हूं तनुज मासूम, रिपब्लिकन न्यूज़।